वालेकुम वेलकम टू अरिफ डेरीज आज की बहुत ही मजे की रेसिपी अंबाड़े की चटनी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ तो अंबाडे की चटनी बनाने का तरीका मैं आज आपको दिखाऊंगी ये चटनी को तो बहुत टाइप्स में हम बना सकते हैं, लेकिन आज मैं आंध्रा स्टाइल में बनाकर दिखाऊंगी बहुत ही मजे की बनती है तो यहाँ देखिए हमने इसके अंबाड़े की भाजी के लीव्स जो है पत्ते तोड़ लिए है यानी कि सरल लीव्स ये भाजी हर मौसम में नहीं मिलती है यहाँ पर कभी कभार मिल जाती है तो इस भाजी को हमने अच्छे से धोकर इसको साफ कर लिया है बिल्कुल बेसिक मसाले इसमें यूज होंगे जैसे कि वन टेबल स्पून मैंने धनिया लिया है वन टेबल स्पून जीरा मेथी दाना लिया है हाफ टी स्पून एंड ड्राइड रेड चिलीज टू तो टू तो थ्री तो क्लोव्स गार्लिक क्लोव्स भी इस्तेमाल हुए हैं और नेक्स्ट यहाँ पर हम तड़के के लिए लिए हैं राई दाना वन टी स्पून और माशकी दाल वन टीस्पून, तुअर दाल वन टीस्पून, थोड़े से ड्राइड रेड चिली टू क्लब्स गार्लिक के एंड कड़ी पत्ता भी इस्तेमाल हुआ है नेक्स्ट हम एक पैन ले लेंगे इसमें डालेंगे दो से तीन टेबल स्पून जितना ऑयल जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे जीरा धनिया एंड मेथी दाना पर हमारा यहाँ मेन इंग्रेडिएंट जीरा और धनिया है ये ऐड करने से चटनी का टेस्ट बहुत ही मजेदार बनता है ये सारी चीजें ऐड करने के बाद हम इसको लो फ्लेम पर रखकर इसी तरह थोड़ी देर फ्राई करेंगे जब ये थोड़ी देर हम इसको फ्राई कर देंगे उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ड्राइड रेड चिलीज यहाँ पर मैंने पांच ड्राइड रेड चिली डाल दिए हैं क्योंकि मैंने वन बंच भाजी का लिया था आप अगर ज्यादा ले रहे हैं तो आप ज्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं और ये देखिए ये अच्छी तरीके से भून लिया है हमने ऑयल में इसके बाद इसको निकाल देंगे और सेम इसी ऑयल में हम जो भाजी है इसको डाल देंगे और लीव्स को जो है पत्तों को हम ऐड कर देंगे आप देख सकते हैं इतनी ज्यादा लग रही है ये जब ये कुक हो जाएगी बहुत थोड़ी सी बनती है और जिस तरह ये कुक होने लगेगी इसका कलर भी चेंज होने लगेगा तो इस भाजी का फ्लेवर बहुत ही खटास भरकर रहता है जब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं तो इसका फ्लेवर बहुत ही मजे की बनती है ये भाजी आप लोग जरूर ट्राई करें तो हम यहाँ देख सकते हैं ये आधी कुक हो चुकी है जब ये पूरी तरीके से कुक हो जाएगी तो ये स्मूथ पेस्ट की तरह बन जाएगी तो हमें पूरा कुक नहीं करना है बस थोड़ा सा इसको कुक करना है इसका कलर पूरा चेंज होने तक तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका कलर मेहंदी जैसा हो गया है तो ये भाजी भी अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है अभी हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे तो नेक्स्ट प्रोसेस हम एक ब्लेंडर जार लेंगे और इसमें जो हमने भून लिए हुए मसाले जो है इसको ऐड कर देंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे इसमें ऐड करेंगे नमक अपने टेस्ट के मुताबिक मैंने टू टीस्पून जितना ऐड किया है ये देखिए यहां पर हमने इसको ग्राइंड किया है इसमें अब मैं डालूंगी लहसुन इसको भी हमने ग्राइंड कर लिया है भाजी को डालकर इसको भी ब्लेंड करेंगे बिना पानी ऐड करे हम इसको ब्लेंड करेंगे ये देखिए इस तरह इसका भी पेस्ट बन गया है नेक्स्ट हम तड़के की तैयारी करेंगे तड़के के लिए मैंने तेल डाला है इसमें तेल मैंने चार से पांच टेबल स्पून डाला है तेल थोड़ा ज्यादा ही मैं डाल रही हूँ तेल अच्छा डालने से भाजी भी जो चटनी है उसकी फ्रेश बनेगी और उसके बाद इसमें मैंने राई और माश की दाल तुअर दाल डालकर इसको थोड़ी देर फ्राई करूंगी इसके बाद इसमें डलेगा कड़ी पत्ता कड़ी पत्ता डालने के बाद लहसन के जो है स्लाइसेस कर मैंने डाला है ये भी इसको थोड़ी देर हम फ्राई करेंगे इसके बाद इसमें ऐड करेंगे ब्राइट रेड चिलीज तीन मैंने ऐड किए हैं और अच्छी तरह से इसको भी हम फ्राई कर लेंगे ये थोड़ी देर फ्राई करने के बाद जो पेस्ट हमने चटनी का बनाया है इसको इसमें ऐड कर देंगे फ्लेम बिल्कुल लो पर रखकर आप अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दें। इस चटनी को आप एक हफ्ते तक फ्रिज में रखकर यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको ज्यादा दिन रखना चाहते हैं तो और थोड़ा सा ज्यादा तेल डालकर इसको अच्छी तरीके से इस तरह कुक करें और इसमें वन टेबल स्पून जितना विनेगर भी इसमें ऐड कर सकते हैं उससे भी ये प्रिजर्वेटिव की तरह काम करेगा और यहां पर देखिए हमारी चटनी बनकर रेडी है इसको हम एक सर्विंग बोल में निकाल चुके हैं आप गरम गरम खाने के साथ घी और चटनी के साथ इसको ले सकते हैं। बहुत ही मजे की बनी थी आप लोग भी इस तरह इसको एक बार बनाकर ट्राई करें एंड मुझे कमेंट कर, कर बताएं आपको किस तरह लगी है मेरी रेसिपी अगर रेसिपी पसंद आई हो तो सबके साथ इसको शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग गरीब डेरीज अल्लाह हाफिज